ब्लैक फंगस रोग क्या है, यह किसे, कब और क्यों होता है, ब्लैक फंगस रोग के लक्षण क्या है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें पता है ये जब कोविड का इन्फेक्शन होता है लोगों में दुर्बलता आती है, एक कमजोरी रहती है, तो इससे क्या होता है कि अलग और जो इन्फेक्शन है वो पकड़ सकते हैं आप। तो ये चीज ऐसा नहीं कि हमने पहले नहीं देखा, ऐसे पहले भी हुए हैं, और ये फंगस भी ऐसी चीज नहीं कि नहीं है, हमारे आसपास ही होती है, पर जनरली ये किसी को बीमार नहीं करता है ये फंगस। पर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि जो लोग कोविड इन्फेक्शन से बाहर आ रहे हैं उनमें काफी दुर्बलता होती है, तो ये फंगस इस बार ये देखा जा रहा है कि ये कोविड के उन रोगियों को कुछ दिनों बाद जाके अटैक करता है, और इसमें जो काफी संख्या में लोग पता लग रहे हैं हमें, और ऐसा नहीं कि सभी को होता है, कुछ सबको नहीं होता है, कुछ में जो हमें देखा गया है, जो हमारे स्टडीज मिली हैं उसमें पता लगा है कि जिनमें डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है उनमें दिख रहा है, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत बहुत कमजोर है, जैसे कि ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे HIV, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनके कारण उनमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है काफी लो है, काफी कम है, या जो एस्टीरॉयड की ट्रीटमेंट लेते हैं और बिना डॉक्टरी सलाह के, या उस पे एक उनका भी शेड्यूल होता है स्टीरॉइड्स का, उसको पालन किए बिना बिना जाने बहुत दिनों तक या बहुत हाई डोज में लेते हैं उनमें दिख रहा है, जिनको काफी समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दी गई है या वेंटिलेटर पे रहे हैं उसके उनमें दिखा है, या इसके कारण भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि जो ऑक्सीजन की ट्यूबें हैं उनकी सफाई और देखरेख अच्छे से नहीं हुई है, या कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन मास्क जो है उनकी देखरेख अच्छे से नहीं हुई है, सफाई अच्छे से नहीं हुई है, इनमें ये कुछ कनेक्शन दिखा है उनके, उनमें ऐसे दिखे हैं। और सिम्टम्स के बारे में जब बात करेंगे तो सिम्टम डिपेंड करता है कि किस अंग को फंगस ने अटैक किया है। तो अगर सपोज यहाँ से फंगस जैसे अंदर गया और ये वाला एरिया चेहरे का एरिया को उसने जाके अटैक किया या वहां पर घर करा उसने, तो यहाँ के सारे लक्षण मिलेंगे, जैसे कि नाक बंद हो जाना, या मतलब सांस ठीक से नहीं आना, नाक बंद सी लग रही है, या चेहरे पे एक स्वेलिंग भारीपन सा दिखेगा, या सूजन दिखेगी, या हो सकता है काले काले चकत्ते दिखे चेहरे पर, नाक से काला काला कुछ निकलेगा, या फिर खून निकल सकता है, या बुखार आ सकता है, या ये आंख का एरिया अगर इफेक्ट हुआ है तो सर में दर्द दिखता है, और आई थिंक बहुत कुछ ऐसे केस मिले हैं जहाँ पर अंधापन दिखा है, ये सारा इस एरिया के लिए होता है। फिर अगर ये अंदर फेफड़ों में जाके इफेक्ट करता है तो जैसे निमोनिया के सिम्टम होते हैं, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, वो दिख सकती है। अगर चमड़ी पे, स्किन पे इफेक्ट करता है तो चकत्ते, घाव, काले काले धब्बे, ऐसी चीजें दिख सकती हैं। पेट में अगर इफेक्ट करता है तो दर्द हो सकता है, उल्टी, ब्लीडिंग वगैरह ये दिखती है। और एक और इसमें दिखता है कि मानसिक भ्रम होना या कोमा में चले जाना, ये भी दिखाई दिया है। तो इस तरीके के इसमें सिम्टम है, पर ये याद रखने की बात है, ऐसी चीजें अगर दिखती हैं तो उसमें घरेलू कोई उपचार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द अस्पताल में जाके दिखाना है, क्योंकि इसकी दवाइयां जो देनी है वो अस्पताल में ही दी जाएंगी, हो सकता है जरूरी हो तो ऐसा तो कोई छोटी सर्जरी भी करनी पड़ जाए, तो इसलिए इनको अनदेखा नहीं करना है, इनके लिए सजाग रहना है, और दवाइयां हमेशा डॉक्टर के जो वो पर्ची लिख के देते हैं उनके हिसाब से दी जाती हैं, कभी भी किसी और की पर्ची से लेकर कोई दवाई किसी और को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस मरीज के लिए डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है हो सकता है वो एक और मरीज में के लिए ना हो, तो पूरे जानकारी से, पूरे गाइडेंस से हमें दवाइयां लेनी चाहिए, खुद जाके अपने आप ये चीजें नहीं लेनी चाहिए।